खबर कानपुर से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इसी दौरान एक घर में मां बेटी दब गई। घर में आग लगने से दोनों मां बेटी जिंदा जल गई। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस तमाशा देखती रही। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस और अतिक्रमण हटा रहा दस्ता मौके से भाग छूटा, लेकिन इस दौरान जिंदा जलने से दोनों मां बेटी की मौत हो गई। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीएम एसओ लेखपाल सहित करीब 40 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना को लेकर सपा और कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया है। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि योगी राज में दलित अल्पसंख्यक ही ब्राह्मण वर्ग पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। सपा नेताओं ने सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता मोहित कानपुर से हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मोहित, एक अपने आप एक बड़ी बड़ी मतलब इसे घटना कहा जा सकता है, क्योंकि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी यदि प्रशासन पर है तो ये जिम्मेदारी भी प्रशासन पर है कि जो लोग हैं वो महफूज रहें, जो अतिक्रमणकारी हैं वो भी महफूज रहें, उनके ऊपर कोई वो शिकार किसी दुर्घटना का ना हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वाक्य देखने को मिला जहां पर एक माँ बेटी जिंदा जल चुकी है। जी दीपक, देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो है लगातार रूप से जो है पूरे प्रदेश भर में जो है आक्रोश है लोगों में। और बात करी जाए इसकी पूरे इस खबर की, तो लगभग पूरे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं कहीं ना कहीं इसको लेके जो है इनमें आक्रोश देखने को मिल रहा है। और आपको इसके साथ बता दूं, पूरा मामला जो है कानपुर देहात की मैथा तहसील के मड़ौली गाँव पे का है, जहाँ पे अतिक्रमण हटाने के दौरान जो है माँ बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है एक कृष्णा कुमार के खिलाफ अवैध कब्जा करने की शिकायत थी। मामले को संज्ञान लेकर दूसरी बार जो है इस बार एसडीएम मेहता पुलिस व राजस्व कर्मियों के साथ गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे, जहां पर आरोप है कि टीम ने जेसीबी से नल व मंदिर तोड़ने के साथ छप्पर गिरा दिया, जहां पे आग लगकर जो है उस वक्त ये दर्दनाक हादसे का जो है माँ और बेटी दोनों शिकार हो गए। जी दीपक, मोहित, एक इस पूरी घटना के बाद में सरकार ने भी सख्त कार्रवाइयां की है, कई अधिकारियों कर्मचारियों को जो है दोषी है इस पूरी घटना के बीच उनको हटाया गया, क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन ने की है, सरकार ने की है? जी देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में बता दूं आपको, लगभग एक दर्जन से ज्यादा लोग जो है नामजद रिपोर्ट उनकी तय है। और अभी अभी ये भी खबर निकल के आ रही है कि जो लेखपाल था इस पूरे मामले की घटना को लेकर जो वहां का सब कुछ देख रहा था, वो भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि और जो है तमाम जो इससे लिखित जो भी जिम्मेदार जो दोषी होंगे इसके लिए जो है टीम भी गठित कर दी गई है। जिस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई होती है, इस तरीके से जांच में जो भी लोग निकल के आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अवैध कब्जा हटाने की अगर बात करी जाए, अगर इस तरीके से आगे चल के भी अवैध कब्जा हटाएंगे और तमाम जो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जो नजरअंदाज इन लोगों ने किया उसका खामियाजा कहीं ना कहीं एक पूरा ब्राह्मण परिवार जो है कहीं ना कहीं वो आज भुगत रहा है। जी चलिए मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मोहित गौड़ हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे हैं कि नामजद रिपोर्ट भी जो दोषी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उनके खिलाफ दर्ज यहां पर की गई है। एक बेटी नेहा दीक्षित, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ और दोनों जलकर मरे धो धो करके, मैं समझता हूँ कि जहाँ लोकतंत्र शर्मसार हुआ होगा कोई मानवता भी कहीं ना कहीं त्रहमाम त्रहमाम कर रही होगी। उस घटना में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में बनाया गया, उस पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने हम लोग जा रहे थे। लखनऊ से चले 15 जगह जिस तरह पुलिस की छावनी बना करके हम लोगों को रोका जा रहा, क्या लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं रह गया हम लोगों को किसी पीड़ित व्यक्ति से? अकेले मैं अकेले हूँ, सिंगल अकेले मैं जा रहा था। दो लोगों की जाने चली गई, माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया।
इस अमानवीय कृत्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा आक्रोश है। और जिस तरीके से बुलडोज़र की सरकार लगातार बुलडोज़र दिखाकर संवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्यों का गला घोट रही है, आने वाले दिनों में इसके परिणाम जनता इनको जल्दी देगी। और हमारी मांग ये है कि जिन जिन लोगों ने बुलडोज़र के द्वारा इन माँ बेटी को जिंदा फूका है, 302 में जिलाधिकारी, SP और उसके अधीनस्थ वो सारे अधिकारी जिन्होंने इसमें अपना साथ दिया है, वो सबको नामजद किया जाए। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तू हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं, और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना तुम मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना? एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे जो भी दोषी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और जो जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे, इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो, हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह हमारी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश के, आप हमारे भाई हो, हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को, जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया, हम कड़ी से कड़ी। और इस पूरे मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अमरीश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो कमी कहां पर रही प्रशासन की, जिसके चलते एक इतना बड़ा हादसा यहां पर हो गया। और उसके बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि अब जब उप मुख्यमंत्री है वो भी सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आगे जो पीड़ित परिवार उससे बातचीत करें, तो क्या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को दिया गया है? अमरीश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है अमरीश सिंह जो हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के स्टेट हेड है, एक बार वापस से उनका रुख करते हैं। अमरीश, मैं आपसे समझना चाहता हूं पूरा मामला कि आखिर कहां पर यह पूरी गलती हुई जिसके चलते इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। और अब हमने देखा कि उप मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की है पीड़ित परिवार से। बिल्कुल, देखिए जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं दीपक, अक्सर शासन प्रशासन और सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सवालिया निशान वहां से खड़े होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है, जब इस तरीके के ऑर्डर दिए जाते हैं, उससे पहले क्या पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाती है? लेखपाल को सस्पेंड कर देना और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेना एक अलग जगह है। 40 लोगों के ऊपर सवाल खड़े हुए, 40 लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, लेकिन सरकार ने बहुत ही संजीदगी के साथ काम किया है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को तूल देने की कोशिश की है, उस पर सरकार के मुखिया ने किस तरीके से निर्णय लिया। सरकार के मुखिया ने पहले अपने असिस्ट यानी कि डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक को पूरे मामले को समझने के लिए कहा। समझने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीड़ित परिवार से बात कीजिए और ये पूछिए कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है। पीड़ित परिवार के साथ जिस तरीके से भाव विभोर होकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने बात की, उसको ये आश्वासन दिया कि जिनकी भी गलती होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा और तुम्हारे पूरे परिवार को सम्मान और पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा, ये सरकार की गारंटी है। सरकार के ब्रिजेश पाठक ने मतलब डिप्टी CM ने जब बात की तो परिवार के सदस्य शिवम ने भी इस बात से अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से उनकी बात को समझा है उसमें वो सरकार के साथ हैं। और फिलहाल करीब 18 से 20 घंटे की मैराथन के बाद पूरा मामला अब शांत है, लेकिन विपक्ष जो है अभी भी सवालिया निशान उठा रहा है। ऐसे मामले पर DM नेहा जैन का जो मामला है
वो भी तूल पकड़ रहा है, उन्होंने भी जिस तरीके का ऑर्डर दिया था उस पर भी एक बार सवाल होंगे। लेकिन प्रदेश के मुखिया ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है शिवम और उसके परिवार को कि उसकी माँ और बहन के साथ भी जो घटना हुई है उसमें जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। दीपक अमीश, अब मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। माना कि अतिक्रमण किसी व्यक्ति ने किया, परिवार ने किया, उसको हटा दिया, लेकिन उसमें गलती आखिर कहाँ प्रशासन से हुई, कहाँ पर चूक हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया? बिल्कुल, देखिए इंस्पेक्टर जिसके ऊपर ये सवाल है, जो जिस इंस्पेक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई है उस और एसडीएम के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनका सीधा सीधा ये कहना कि हमारे ऊपर जिलाधिकारी नेहा जैन ने ये प्रेशर किया था कि उस पूरी बस्ती को गिरा दिया जाए। हालांकि वहां जो मंदिर था उसको भी गिराने का आदेश नेहा जैन द्वारा दिया गया, लेकिन नेहा जैन की प्रतिक्रिया अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। उनका स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया है। नेहा जैन का ये कहना है कि नेहा जैन ने पूरी जांच पड़ताल की थी और उसी की बिना पर, नेहा जैन ने ये जो स्टेटमेंट दिया उसी की बिना पर लेखपाल को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये पूरी रिपोर्ट नेहा जैन को लेखपाल ने सौंपी थी। अब लेखपाल का क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि नेहा जैन की स्पष्टीकरण पर जो 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ है उस पर ये सीधा सीधा ब्रिजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जवाब तलब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से की है, और वहां कानपुर के कमिश्नर राजशेखर जी से भी कहा गया है कि जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट शासन को भेजे, उसके बाद जो भी लोग होंगे इस पूरी कार्रवाई के पीछे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अमरीश, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अभी तस्वीरों में हम देख रहे थे, आप लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, तो इसमें जो विधायक है समाजवादी पार्टी के वो भी वहां पर मौके पर पहुंचे थे लेकिन उन्हें रोका गया है। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे पहुंचे हैं, अमिताभ वाजपेयी पहुंचे हैं, इसके साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी कहा है कि पूरे मामले में सरकार की गलती है। लेकिन सरकार की गलती तब होती है जब इस पूरे मामले में प्रशासन बीच में है, सरकार यहाँ पे कहीं भी खड़ी नहीं है, प्रशासन की देखरेख में ये पूरा मामला हो रहा था। अभी से थोड़ी देर पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट हुआ है, उन्होंने कहा है कानपुर देहात की घटना बेहद दुखद है, प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच और दर्ज मुकदमे की विवेचना में जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है, अनाधिक कब्जा जो भी करते हैं वो चाहे गरीब हो या वैकल्पिक व्यवस्थाओं होने तक अधिकारी बेदखल उनको नहीं कर सकते हैं, परंतु भू माफिया को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि इसमें सीधा सीधा जो अटैक है भू माफियाओं पर भी किया है डिप्टी सीएम ने, जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा करके वहां पे लोगों को बसाया था। लेकिन उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि प्रशासन उन लोगों को हटाने से पहले उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था देता। इस पूरे प्रकरण पर सरकार की नजर है, प्रशासन से बात कर ली है, हालांकि विपक्ष जो है वो अपना काम करेगा, क्योंकि इस पूरे मामले को राजनीतिकरण देने की कोशिश की जा रही है ताकि वो अपने राजनीतिक लाभ ले सके। दीपक, अमरीश, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भले मुख्यमंत्री के निर्देश पर डिप्टी सीएम ने बात करी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई या जो कार्रवाई का दौर है वो यहाँ पर शुरू हुआ है, मुकदमे दर्ज किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से लगातार ट्वीट सामने आया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पहुंचने का दौर हो, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट सामने आया, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी इस आपदा में अपना राजनीतिक अवसर तलाशने की कोशिश में है? देखिए बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां विपक्ष होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इस तरीके का बड़ा प्रकरण होता है तो उस पर जल्द ही फैसला भी आना बहुत जरूरी होता है, और ऐसे में राजनीति में जो विपक्ष होता है उसका काम होता है कि सरकार के ऊपर वो सवाल उठा रहा है, लेकिन इस पर बैकफुट पर आने की जगह सरकार ने फ्रंटफुट पर खेला और उस पर उसने अपने मुखिया योगी आदित्यनाथ ने डिप्टी सीएम को इसीलिए इस पूरे मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा और उनसे पूछा कि आप पहले पूरी घटना को समझें, घटना को समझने के बाद आप इस पूरी बात पर ये ध्यान दें कि इसमें जो भी दोषी हो बचे ना, लेकिन परिवार के जिन सदस्यों के ऊपर ये आप बीती गुजरी है उनको भी समझाइए और उनको ये समझाइश करिए कि उनके साथ जो भी हुआ उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और उनको हर वो वैकल्पिक सुविधा और हर तरीके की सुरक्षा उनको मुहैया कराई जाएगी, ये सरकार की तरफ से आश्वासित किया गया है। लेकिन राजनीतिक लाभ है, राजनीति की बात नहीं है यहाँ पे, ये बात है कि जिन लोगों के साथ ये घटना गुजरी है और जो लोग भरे सहमे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, भूमाफियाओं के खिलाफ भी सरकार उनके साथ है। दीपक, बिल्कुल अमरीश, हम देख ये भी देख रहे थे अभी साफ तौर पर जो डिप्टी सीएम ने बातचीत करी है वीडियो कॉल के जरिए, जो बातचीत करी है उसमें साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो दोषी हैं उनकी सात पुश्तें तक याद रखेंगी, ऐसी कार्रवाई ऐसी नजीर सरकार पेश करेगी। देखिए दीपक, अगर बात करें उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की, जमीनी स्तर के नेता है, उनको पता है कि जमीनी धरातल पर अगर हमें काम करना है, सरकार की योजनाओं को, सरकार की चीजों को जनता तक पहुंचाना है तो जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और ऐसे में वो समझ सकते हैं कि इस तरीके की घटना जिस परिवार के साथ बीती है, जिस मोहल्ले के साथ बीती है, जिस शहर के साथ बीत रही है, उस शहर में कितने
कितना आक्रोश होगा, इस बात को समझते हुए शिवम जो मौजूदा लड़का है जिससे वो बात कर रहे हैं, वो उस बात को समझा रहे हैं कि बेटा तुम जिस दौर से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूँ और मैं तुम्हें पारिवारिक सदस्य की तरह। अमरीश मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में अमिताभ वाजपेयी जो की समाजवादी के पार्टी के विधायक है वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ जी किस तरीके से आप इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं, सरकार ने जो भी पूरा हादसा हुआ उसके बाद में कार्रवाई करी है, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी संतुष्ट है सरकार की कार्रवाई से? जी सरकार में लगातार बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सरकार के बुलडोजर के नाम पे बनी थी वो पहले विकास करती थी वो विनाश करने लगी, अपराधियों के मकान गिराते गिराते गरीब लोगों के मकान गिराने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा गरीब के मकान नहीं गिराए जाएंगे, फिर भी अधिकारियों पर उसका असर नहीं, वो समझते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे तो मुख्यमंत्री खुश होंगे, सरकार खुश होगी, इनाम देगी। अब उसकी इतनी इंटेंसिटी हो गई कि आज गरीब आदमी की जान चली गई है, मुकदमा लिखा है, लेकिन जिसने असली डीएम ने जिसने ऑर्डर किया उन पर तो मुकदमा नहीं लिखा गया। अब समाजवादी पार्टी ये देखना चाहती है क्या कार्रवाई जिलाधिकारी पर भी होगी, क्या जिस तरह से बुलडोजर समाजवादी पार्टी के विधायकों के निवासों पर चलते हैं क्या वही बुलडोजर ये हत्यारे डीएम के आवास पर भी चलेंगे क्या? आज समाजवादी पार्टी आज न्याय की लड़ाई लड़ना चाहती है, गरीब की लड़ाई लड़ना चाहती है। अमिताभ जी उप मुख्यमंत्री ने बातचीत करी है, पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी नजीर पेश की जाएगी कि जो दोषी अधिकारी हैं कर्मचारी उनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी। जी मैंने वीडियो देखा है, उप मुख्यमंत्री की ऑफिशियल साइट पे पड़ा हुआ है, वो 2 मिनट का वीडियो है जिस 2 मिनट में 5 सेकंड के अलावा लगातार डिप्टी सीएम खुद ही बोल रहे हैं, जबकि जो वीडियो वहां से आया घटना स्थल से वो 2.5 मिनट का है, जो 30 सेकंड में बेचारे पीड़ित ने अपनी बात कही हो तो डिप्टी सीएम ने पोस्ट ही नहीं करी, डिप्टी सीएम उसका संज्ञान ही नहीं लिया। आप देखिए ना डिप्टी सीएम के वीडियो में डिप्टी सीएम अकेले ही बोल रहे हैं, पीड़ित की बात उसमें आई कहां रही है? तो ये लोग बात सुनने में इंटरेस्ट नहीं, इनका मामला निपटाने में इंटरेस्ट है। आज लोग तब संतुष्ट होंगे जब उसमें कड़ी कार्रवाई होगी और बुलडोजर उस असली अधिकारी के घर पे चलेगा जिसकी वजह से ये हत्याएं हुई हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ वाजपेयी, आप हमारे साथ जुड़े सपा के विधायक अमिताभ जी, और उन्होंने पूरी बात अपनी यहां पर रखी, वो संतुष्ट नहीं है सरकार की कार्रवाई से। उनका कहना है कि जो कार्रवाई दोषियों पर होती है, जो गुनहगारों पर होती है, वो कार्रवाई अब एक सामान्य व्यक्ति पर कर दी है सरकार ने।